लोकसभा हाजीपुर चुनाव भी माहौल चल रहा है, हमारे जैसे आरजेडी और एलजेपी, चिराग पासवान जी और शिवचंद्र राम जी, उनके बारे में कुछ बातचीत आप लोग से करेंगे। आप लोग किसको सपोर्ट करिएगा इस बार, आपके क्षेत्र में कौन आ रहे हैं, आपके क्षेत्र किसको आप जिताइएगा इस बार भारी मतों से। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी भैया को। आपका नाम क्या हुआ भैया? अजीत कुमार। आपका नाम क्या हुआ? अवधेश पासवान। आपका भैया? कुंदन कुमार। अच्छा, तो सबसे पहले बताइए कि आपके क्षेत्र से इस बार कौन आने वाला है, किसको जिताइएगा? चिराग पासवान। चिराग पासवान जी को? चिराग पासवान जिताइएगा। क्या इसका क्या कारण है? देखिए, सबसे पहले तो बात है कि उनका पिताजी जो हाजीपुर में काम किए उसके आधार पर उन्होंने वोट मांग रहे हैं और उसके आधार पर उनको वोट मिलेगा और भारी मतों से हाजीपुर से रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। जैसे युवा नेता तो हमारे जो बोल रहे चिराग पासवान जी भी है, अब अभी जो क्या नाम है उनका, तेजस्वी यादव जी, वो भी युवा नेता है, उनके नेत्र में हमारे शिवचंद्र राम जी खड़ा हुए आरजेडी के जो नेता है, तो उसको क्या कारण है, उनको क्यों नहीं दीजिएगा वोट आप, चिराग पासवान क्यों दीजिएगा? देखिए, शिवचंद्र राम को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, वो भी राजा पाकर से चुनाव लड़े थे, मंत्री भी बने थे, लेकिन राजा पाकर क्षेत्र में एक बार भी नहीं आए झांकी पड़ने की, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ मर रहा है, कहाँ कोरोना काल में क्या हुआ नहीं हुआ, एक बार भी वो देखने तक भी नहीं आए। जो अभी यहाँ पर आरजेडी का अध्यक्ष थे 25 वर्ष से, अभी तक देखने पर यहाँ पर भी नहीं आए। तो क्या लग रहा है इसमें, मतलब यहाँ से चिराग पासवान जीतेंगे राजा पकड़? बिल्कुल जीतेंगे। जीतेंगे, भरोसा है आप लोग को? हाँ हाँ। आपको भैया, आपको भैया भरोसा है कौन जीतेगा इस बार से? चिराग पासवान। चिराग पासवान जीतेगा जी। आप अंकल जी कौन जीतेगा इस बार? चिराग पासवान। आप किसको वोट दीजिएगा? चिराग पासवान। चिराग, आप किसको वोट दीजिएगा? चिराग पासवान। आप ओनली फॉर चिराग पासवान। चिराग पासवान जी जी, चिराग पासवान। मतलब एलजेपी आरजेडी? आरजेडी आरजेडी नहीं चलेगा यहाँ, आरजेडी नहीं चलेगा? नहीं नहीं नहीं। क्या कारण है इसका? नहीं करेगा आरजेडी, यहाँ तो 5 साल देखे हुआ है राजा पाकर विधानसभा में, कुछ नहीं किया। और तो क्या इस बार, मतलब उनको बायकॉट करिएगा इस बार? बायकॉट रहेगा, चिराग पास में आएंगे 100% आएंगे, 100% आएंगे, 100% का नंबर, आंख बंद के नंबर। क्या लग रहा है वो इस बार जीतेंगे? कम जीतेंगे, रिकॉर्ड तोड़ वोट से, मतलब रिकॉर्ड रिकॉर्ड तोड़ वोट से। आप लोगों को भरोसा है? जी, पूरा 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 भरोसा, वो जीतेंगे इस बार, एकदम जीतेंगे। क्या बोलिए भैया, जीतेंगे इस बार? जीतेंगे, जो उनका पिताजी जो हाजीपुर में काम करके गए हैं उसके आधार पर उन्होंने बहुत ही वोट से, युवा नेता है, काम करेंगे, हम शिवचंद्र राम भरोसा है कि वो इस बार चिराग पासवान काम करेंगे, हम भरोसा। चुपचाप हेलीकॉप्टर छाप, एक नंबर, चुपचाप हेलीकॉप्टर छाप, चुपचाप हेलीकॉप्टर छाप। सब बोल रहे की आरजेडी का भी लहर बहुत है इस बार, इसे क्या नहीं, नहीं हवा बना रहा है, हवा बना रहा, हवा बना रहा, बोलता है कि आरजेडी का लहर है। नहीं नहीं, हवा है साहब, कुछ नहीं चलेगा इस इसमें, मतलब छुपा छुपी चिराग पासवान, चिराग पासवान, चुपचाप चुपचाप हेलीकॉप्टर छाप, चुपचाप जी, एक नंबर हेलीकॉप्टर, आंख बंद के जाइए, ऊपर का बटन टिप दीजिए। चलिए देखिए कि चुप, मतलब आप लोग पूरा मतलब मन बना है कि इस बार चिराग पासवान जी को लाना है और मंत्री भी बनेंगे वो। अच्छा, मंत्री बनेंगे आप जी? अच्छा, आप लोग भरोसा है? हाँ, भारत सरकार के मंत्री भी बनेंगे, अच्छा काम भी करेंगे, भरोसा है पूरा कि हाजीपुर में भी जीतेगा तो भागेंगे नहीं ना? नहीं, हारेंगे तो नहीं, जीतेगा तो भागेंगे नहीं, नहीं भागेंगे, भागेंगे कहाँ, जब उनका पिताजी ने